21 अप्रैल को दिन भर के भारी उतार चढ़ाव के बाद भारतीय इक्विटी बाजार सपाट बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 22.71 अंक यानी 0.04% की बढ़त के साथ 59,655.06 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 0.40 अंक गिरकर 17,624 के स्तर पर बंद हुआ है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन कारोबारी दिन के आगे बढ़ने के साथ ही इसने अपनी बढ़त गंवा दी और एक छोटे दायरे में कंसोलिडेट करते दिखा। हालांकि कारोबारी सत्र के दूसरे भाग में बिकवाली बढ़ती दिखी, लेकिन आखिरी घंटे में आई रिकवरी के चलते बाजार फ्लैट नोट पर बंद होने में कामयाब रहे। TCS, ITC, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, विप्रो और एशियन पेंट्स आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और मारुति सुजुकी निफ्टी के टॉप लूजर हैं। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो रियल्टी इंडेक्स में 2% की गिरावट आई, जबकि ऑटो और मेटल इंडेक्स में 1% की कमजोरी देखने को मिली। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। BSE पर लिस्टेड कुल कंपनियों का मार्केट कैप आज 2,64,97,31.05 करोड़ रह गया। एक कारोबारी दिन पहले यह 2,65,35,613.48 लाख करोड़ रुपए पर था। इसका मतलब हुआ कि आज मार्केट के उठापटक में कुल कंपनियों का मार्केट कैप 38,582.43 करोड़ रुपए घटा है। 24 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? SAS ऑनलाइन के संस्थापक और CEO श्री जैन का कहना है कि वर्तमान में बाजार का फोकस कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजों पर है। शुरुआती नतीजों के उम्मीद से कमजोर रहने के कारण बाजार का सेंटिमेंट खराब हुआ है। 2 दिग्गज IT कंपनियों के उम्मीद से खराब नतीजों ने बाजार का मूड खराब कर दिया। हालांकि कुछ मिड कैप IT कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर के नतीजे मजबूत रहने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़त और नतीजों के मौसम के मिले जुले रहने की उम्मीद के बीच ग्लोबल स्तर पर निवेशकों का रुख सावधानी बरतते हुए चलने का है। ऐसे में इस हफ्ते के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में टाइम करेक्शन जारी है। आज बेंचमार्क इंडेक्स फ्लैट बंद होने से पहले ज्यादातर समय रेंज बाउंड ही रहा। 17,863 के हाल के हाई से करेक्शन के बाद पिछले 3 दिनों से 200 DMA के करीब कंसोलिडेट हो रहा है। अभी तक तेजड़िए निफ्टी को 200 DMA के लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर रखने में कामयाब रहे हैं। इसको लंबे नजरिए से किए जाने वाले निवेश के लिए लाइन ऑफ पोलैरिटी के रूप में देखा जा रहा है। अगर निफ्टी 200 DMA या 17,605 के नीचे फिसलता है तो इससे बाजार में पैनिक बटन दब सकता है। 17,600 के नीचे जाने पर निफ्टी 17,400 तक फिसल सकता है। ऊपर की तरह निफ्टी के लिए 17,700 पर रेजिस्टेंस रहा है। अगर निफ्टी यह बाधा पार कर लेता है तो फिर यह तेजी 18,000 तक जाती दिख सकती है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार आज कंसोलिडेशन के मूड में रहे और किसी बड़े ट्रिगर के अभाव में लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुए। अब सोमवार के शुरुआती कारोबार में बाजार सबसे पहले रिलायंस और ICICI बैंक के नतीजों पर प्रतिक्रिया देगा। बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव बना रहे इसके लिए जरूरी है कि निफ्टी 17,400 से 17,500 के जोन में बना रहे। अगर निफ्टी 17,400 से 17,500 के जोन में फिसल जाता है तो रिकवरी पटरी से उतर जाएगी। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। Q4 नतीजों से पहले फिसला यस बैंक का शेयर, आइए जानते हैं कि निवेशक किस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करें। निजी सेक्टर का दिग्गज बैंक यस बैंक कल यानी 22 अप्रैल को मार्च 2023 तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करेगा। नतीजे आने के एक दिन पहले इसके शेयरों में आज यानी 21 अप्रैल को बिकवाली का दबाव दिखा। BSE पर ये 1.82% की गिरावट के साथ 16.20 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में ये 0.5% उछलकर 16.61 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। कुछ दिनों पहले मार्च तिमाही में रिकॉर्ड संख्या में शेयर होल्डर्स का खुलासा होने पर इसके शेयरों की खरीदारी बढ़ गई थी। 18 अप्रैल को ये 8% से ज्यादा उछल गया था। हालांकि फिर लगातार तीसरे दिन आज यानी 21 अप्रैल को ये कमजोर हुआ है। ये 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है
शेयरों की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट्स इसमें साइडवेज ट्रेंड देख रहे हैं और 20 रुपए के लेवल को अहम मान रहे हैं। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक बैंक के शेयरों में साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि सप्लाई और डिमांड लगभग बराबर ही है। उनका कहना है कि यस बैंक के शेयरों के लिए 20 रुपए का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और अगर ये इससे ऊपर बंद होने में सफल होता है तो 23 से 26 रुपए के लेवल को भी छू सकता है। अभी बात करें तो मौजूदा लेवल से लेकर 14 रुपए के आसपास तक 20 रुपए के टारगेट पर खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की सलाह है। वहीं घरेलू ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक मार्च 2023 तिमाही में बैंक की ब्याज से नेट इनकम सालाना आधार पर 6% और तिमाही आधार पर 2% बढ़कर 1923.8 करोड़ रुपए पर पहुंच सकती है। वहीं बैंक का शुद्ध मुनाफा तिमाही आधार पर 524% बढ़कर 321.7 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं JM Financials के मुताबिक बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 21.7% और तिमाही आधार पर 12.4% बढ़कर 2215.1 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। इन दो स्टॉक्स में आ सकती है 20 रुपए तक की अपसाइड। जानिए आज डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन शेयरों पर लगाया दांव। बाजार ने 21 अप्रैल को अपना सोमवार का लो लेवल तोड़ने के बाद निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 17,600 के ऊपर आने की कोशिश में नजर आया। बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों में ज्यादा दबाव देखने को मिला। बाजार को संभालने में ITC का बड़ा हाथ नजर आया। ये शेयर करीब 1.5% की तेजी के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ के पार पहुंच गया। SDFC को पीछे छोड़कर ये देश की सातवीं सबसे बड़ी कंपनी बनी। जिंदल स्टील, सेल, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में 2 से 3% की तेजी नजर आई। वहीं डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने किन स्टॉक्स पर दाव लगाया है, चलिए जानते हैं। पहले स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने ICICI बैंक पर खरीदारी की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। नतीजों से पहले HNIS की तरफ से शेयर में खरीदारी होती हुई दिखाई दी। डीलर्स की भी शेयर पर खरीदारी की सलाह है। उनका मानना है कि ये शेयर मौजूदा स्तर से 10 से 20 रुपए तक ऊपर चढ़ सकता है। गोदरेज कंज्यूमर दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में खरीदारी की राय दी है। उनका कहना है कि 20 अप्रैल को FMCG शेयरों में फंड्स ने खरीदारी की है। डीलर्स की इस स्टॉक पर BTST यानी आज खरीद दें और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये स्टॉक मौजूदा स्तर से 15 से 20 रुपए तक चढ़ सकता है। CNBC आवाज़ पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन दो स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या हैं। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेज़ी नज़र आ सकती है। आज निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजिशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुँची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की 2री सबसे बड़ी
पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15-20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज़ करते हैं। और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के, वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पाते हैं। सिर्फ 3 स्टॉक शॉर्ट टर्म में करवा सकते हैं आपकी जोरदार कमाई। जानिए विज्ञान सावंत की इन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में। शेयर बाजार में हाल में आई तेजी 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से उछाल के बाद देखने को मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इंडेक्स ने एक आउटसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। ये कीमतों में बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत है। डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 और 200 डे ईएमए जैसे अहम मूविंग एवरेज से काफी ऊपर दिख रहा है। अब निफ्टी के लिए 17,500 पर पहला सपोर्ट है, उसके बाद 17,300 के स्तर पर दूसरा बड़ा सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,800 पर पहला रेजिस्टेंस और उसके बाद 18,000 पर अगला रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 17,800 के रेजिस्टेंस को पार करके तेजी दिखाता है तो फिर इसमें हमें 18,000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर निफ्टी 17,500 से नीचे फिसलता है तो फिर तेजी का ये नजरिया गलत साबित होगा और गिरावट और बढ़ती दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं GEPL कैपिटल के विज्ञान सावंत की पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में, जो करवा सकती हैं आपकी शानदार कमाई। पहले स्टॉक के तौर पर विज्ञान सावंत ने चुना है लेमन ट्री होटल्स को। लेमन ट्री में 77 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 102 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 17% रिटर्न मिल सकता है। लेमन ट्री का स्टॉक वर्तमान में एक मजबूत अप ट्रेंड दिखा रहा है। हायर हाई और हायर लो के लगातार फॉर्मेशन से इस बात की पुष्टि हो रही है। इस बात के संकेत मिलते हैं कि स्टॉक में आगे भी तेजी कायम रह सकती है। स्टॉक ने हाल ही में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। ये पिछले अप ट्रेंड के जारी रहने का संकेत है। इसके अलावा ये 50, 100 और 200 डे ईएमए जैसे अहम मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, ये भी पॉजिटिव संकेत है। वहीं दूसरे स्टॉक के तौर पर विज्ञान सावंत ने चुना है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल को। नवीन फ्लोरीन में 4,440 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,200 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। नवीन फ्लोरीन के शेयर में 4,100 रुपए के स्तर के आसपास पोलैरिटी में बदलाव दिखा है। ये स्टॉक में आगे भी तेजी कायम रहने का संकेत है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया है, ये भी पिछले अप ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है। विज्ञान सावंत का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया में 275 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 325 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 12% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक ने 255 रुपए के आसपास के स्तर पर पोलैरिटी में बदलाव दिखाया है, ये स्टॉक में तेजी आने का संकेत है। बियरिश चैनल का हालिया ब्रेकआउट भी पिछले अपट्रेंड की निरंतरता के बने रहने का संकेत दे रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आम तौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं,
उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था, एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी जो कि उनके आगे के लिए काम काज दिखा करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें, करीब करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है वो भी करीब करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी जिसको आप और हम आम तौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 95% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी कारोबार जो है वो करीब करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी का एक बड़ा फेमस बिस्किट है वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस हैं मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेर बदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था और उस समय पर करीब करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूँ वो करीब करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।